और ये हमारा क्वेश्चन है बीट्स के। कोशिश करते हैं बीट्स के जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर उन सब की प्रैक्टिस कर लें। देखो यार बेसिकली ज़्यादा कठिन क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन आते हैं वैसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो क्वेश्चन आते हैं उन पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है कंपेयर टू बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलो अब मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, जब आप उनको एक साथ साउंड करते हो तो चार बीट्स हमें मिलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फॉर्क इज 256, एक की 256 जो है फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इंक्रीज व्हेन द फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स। तो इस पूरे जो है आपके क्वेश्चंस का जो भी पूरा ये वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक होगा जो भी ट्यूनिंग फॉर्क बीट्स कर रही होगी, क्योंकि देखो ट्यूनिंग फॉर्क की हम बीट्स अगर बात कर रहे हैं तो जो भी ट्यूनिंग फॉर्क बीट्स कर रही होगी उसमें या तो एग्जामिनर कभी लोडिंग करेगा वैक्स की या फिर कभी फिलिंग करेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, आगे से ध्यान रखेंगे इस अंतर को। इसी अंतर से आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को कर सकते हो। जब भी लोडिंग करोगे आप वैक्स की तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, और जब भी आप फिलिंग करोगे किसी भी प्रॉन्ग को, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकली अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, देखते जाओ आप। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ट्यूनिंग फॉर्क बनाने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना आगे से। आपको सीधे सीधे बस जो है पेपर के हिसाब से सोचना है। अब देखो यार दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, है ना, अब पहले की 256 है, अब इसके साथ चार बीट आ रही हैं। चार बीट आने का मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली रही होगी या तो वो चार ज़्यादा रही होगी या फिर चार कम रही होगी, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है इससे आगे कि जो नंबर ऑफ बीट है वो बढ़ जाती है व्हेन द फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स। जब 256 वाली को आप वैक्स से लोड कर देते हो, यानी कि 256 को आपने लोड कर दिया, जैसे आप लोड करोगे तो क्या हुआ होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, है ना। अब जो हमें मिलती है वो बढ़ी हुई जो है बीट्स मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि आपको बताना है कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी उसकी बीट असल में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 260 है या 252 है। तो डेफिनेटली मुझे बताओ कि कौन सा आंसर इसमें से सही हो सकता है। तो सब लोगों का आंसर इसमें से सही होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। अब देखो पहले जो थी वो चार बीट थी, अब बढ़ के वो कितनी हो गई, अब बढ़ के मतलब कुछ भी मान लो छह भी हो गई होगी, तो भी अगर 256 आपका जो नंबर है वो कम हो गया होगा तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि 256 अगर कम हो गया होगा तो डेफिनेटली 252 के साथ तो जो बीट्स आएंगी वो कम ही आएंगी। मान लो अब 256 है, अगर ये घट के 254 हो जाता है और आपका ये तो 252 ही रहेगा, तो यहाँ पर जो बीट्स है वो दो आ रही हैं जबकि पहले चार थी, तो ये तो उल्टा घट गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा फिर, ये होगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा है पर मैं बता देता हूँ। बीट्स आर दी रिजल्ट ऑफ, देखो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ जिससे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। जैसे देखो कई तरीके से हम चीज़ें पढ़ते हैं, अगर आपने मेरे वन शॉट भी देखे हैं या फिर लेक्चर्स पढ़ते आ रहे हो तो डेफिनेटली सब कुछ पता ही होगा। अब जैसे देखो दो वेव है हमारी, अगर वो बिल्कुल ही सेम फ्रीक्वेंसी की है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की है, हर चीज़ सेम है उनकी, सेम मीडियम सेम फेज डिफरेंस, तो वो आपकी इंटरफेरेंस कर लेती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर लेती हैं, इंटरफेरेंस। लेकिन यार कई तरीके की होती हैं, जो कई सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी वेव होती है ना उनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है, वो नियरली इक्वल होती है। मतलब मान लो किसी की 256 है तो एक की 252 हो गई, 254 हो गई, मतलब 8 या 9 या 10 या 2 4 5 मतलब इतना फर्क होता है इतने हर्ज का। तो उसका मतलब क्या है, वो आपकी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और उनका सुपर पोजिशन हो जाए तो वो बीट्स यहाँ पर जनरेट होती हैं, ठीक है ना। और अगर ये जो है आपकी इस तरीके से होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, सेम सब कुछ सेम होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो फिर ये आपकी स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बना देती हैं। और यही वाली वेव अगर 90 डिग्री पर चल रही है तो ये लिसाजूस फिगर हमें देती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये सब चीज़ आती होगी, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख लो। चलो अब बीट्स किसका रिजल्ट है, क्या डिफ्रैक्शन का है, बिल्कुल नहीं है। क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, तो ये अलग ही चीज़ हो गई। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सुपर पोजिशन में मैंने आपको बताया, क्या बताया, सुपर पोजिशन में चार चीज़ हो रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारी जो साउंड वेव का टॉपिक है, देखो वेव ऑप्टिक्स अलग है, साउंड वेव अलग है। वेव ऑप्टिक्स जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर बेसिकली वी आर टेकिंग लाइट, हम जो है लाइट के फिनोमेना को पढ़ रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव और द टॉपिक SHM एंड वेव, तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम साउंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो सब जब दो साउंड वेव सुपर पोजिशन एक दूसरे से करती हैं, ठीक है ना, तो आपके क्या क्या फिनोमेना होते हैं, देखो सबसे पहला होता है आपका इंटरफेरेंस, जो जो अभी मैंने बताया। दूसरा होता है आपका बीट्स, जो जो अभी मैंने बताया।
तीसरा हो सकता है आपका क्या, स्टेशनरी वेव, जो अभी अभी मैंने बताया स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी बात एक ही है। और चौथा जो होता है वो होता है लिसाजुस फिगर, है ना। इसमें क्या हो रहा होता है इंटरफेरेंस में, इसमें दो वेव आ रही होती है आपकी सेम डायरेक्शन में, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बराबर होती है, जबकि बीट्स में लगभग बराबर होती है, बिल्कुल बराबर नहीं होती है, है ना, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। स्टैंडिंग वेव में सब कुछ बराबर होता है, फर्क इतना है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, और लिसाजुस फिगर में 90 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी आपको माइंड मैप याद रखना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक ट्यूरिंग फॉर्क आपने ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, जब उसको साउंड किया गया टुगेदर विद अनदर ट्यूरिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकंड। ठीक, देखो एक ट्यूरिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको साउंड किया, ठीक है। जब इसको साउंड किया मतलब आपने क्या किया, बेसिकली साउंड इट करने का मतलब क्या है, दोनों को आप जो है हला रहे हो, एक ऐसे मान लो भाई ट्यूनिंग फॉर्क है ना, तो उसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे हो, और फिर वाइब्रेट करने के बाद आप यहाँ पर बीट्स यहाँ पर आप चेक कर रहे हो। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 थी, उसने आपने उसको साउंड किया दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी अननोन फ्रीक्वेंसी थी, और उसके साथ आपको दो बीट मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, दो बीट मिलने का, या तो वो रही होगी 102 या फिर वो रही होगी 98, है ना, तो जो अननोन वाली है। अब ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फॉर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नोन, जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा सा लोड कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी आप नहीं जानते हो, यानी कि कौन सी वाली आप नहीं जानते हो, आप ये वाली नहीं जानते हो, है ना, कि 102 की है या 98 की है। देखो पहली वाली आपको पता है 100 वो दी गई है, लेकिन दूसरी वाली अननोन है, आपको नहीं पता कि 102 की है वो या 98 की है। अच्छा ये दो नंबर हमें कहां से पता चले, ये दो नंबर हमें पता चले जो यहां पर दिया गया है दो बीट्स पर सेकंड से, है ना। अब आपने इसको लोड कर दिया, अब मैंने आपको बताया ना लोडिंग से आपकी कम हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही आपने लोड किया तो फ्रीक्वेंसी आपकी, अब आपको नहीं पता है ना जिस वाले की, तो जब आप उसके साथ उसे बजा रहे हो तो क्या हो रहा है कि 100 प्रोड्यूसेस 1 बीट। तो जो आपकी 100 के साथ जब इसको आप दोबारा कर रहे हो वाइब्रेट, तो आपकी एक ही बीट मिल रही है ना, पहले दो मिल रही थी अब एक मिल रही है। तो हम वैसे भी जानते हैं यार कि लोडिंग करने के बाद क्या हो रहा होता है, लोडिंग करने के बाद आपका जो जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है ना, जैसे आपने लोड किया होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी। अच्छा अब आप 98 को अगर लोड करोगे तो वो हो जाएगी 97 96 95, तो आपकी 100 के साथ जब आप देख रहे होंगे तो बीट हमारी दो से ज्यादा मिलेगी, 3 4 5 6 ऐसे मिल सकती है। लेकिन आप 102 को लोड करोगे तो ये 101 हो जाएगी, है ना, और पॉसिबल है कि आप जब 100 के साथ करोगे इसको तो 1 आपकी बीट यहां पे मिल जाएगी। तो आंसर हमारा 102 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है आपने उसको दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ साउंड किया 256 MH 2 बीट। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है आपने 256 दूसरी वाली है, ऐसे मान लो कि ये 256 की रही होगी और दो बीट हमें मिली, यानी कि एक रही होगी 252 की और एक रही होगी 258 मान लो, सॉरी ये 254 हो जाएगी, है ना, क्योंकि दो है ना बीट, तो मतलब प्लस दो या माइनस दो। ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256, जब आप 256 वाली को लोड कर रहे हो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी लोडिंग का, लोडिंग का मतलब यही तो होता है, तो नंबर ऑफ बीट हर्ड आर 1 पर सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क क्या रही होगी, अब आपको बताना है। देखो ये वाली तो हमें पता ही थी यार, देखो ये वाली तो हमें पता ही थी कि 256 थी, और हमें दूसरी वाली के साथ दो बीट मिल रही हैं, मतलब दूसरी वाली या तो 254 की रही होगी या 258 की रही होगी। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी है वो, तो इसके लिए हमें दूसरी हिंट दी गई है कि जब आप 256 वाली के साथ मतलब जब आपने 256 को लोड कर दिया तो आप देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 255 254 253 ऐसा कुछ रही होगी। भाई लोड करने का मतलब क्या है, आंसर घट जाएगा, तो नंबर ऑफ बीट आपकी 1 मिलती है हमें। ओके, तो ऐसा किसके साथ पॉसिबल है, देखो यार अगर ये नंबर 256 से 255 हो गया तो इसके साथ तो हमें उल्टा बढ़ के मिलेगी, भाई 258 में से 255 घटाओगे तो 3, 254 घटाओगे तो 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, ये तो सीधे आपको टिक कर देना है ये। वैसे भी आप देखो अगर ये कम हो गई होगी तो मान लो 255 हो गई होगी तो इसके साथ आपकी एक बीट आपको मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर, आपने उनको साउंड किया टुगेदर, दे प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड, जब आप उनको साउंड कर रहे हो तो आपको 4 बीट मिलते हैं। ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स, यानी कि लोड करने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, दे प्रोड्यूस 2 बीट व्हेन साउंडेड अगेन। भाई देखो आपकी एक ट्यूनिंग फॉर्क थी ए, एक थी बी, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ बीट कर रहे थे तो आपको 4 बीट मिल रहे थे, ठीक है ना। अब आपने जैसे ही लोड किया ए को तो आपका जो नया केस हुआ उस केस में लोडिंग के बाद क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आपको बीट 2 मिल रही है। अब कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256, यानी कि 256 है हमारी ए की फ्रीक्वेंसी, तो पहले केस में 256 का मतलब 252 या फिर 260 रहा होगा, ये दोनों वैल्यू एक रही होंगी इनमें से कोई भी बी की। अब आपने जैसे ही लोड किया वैक्स लगा दिया तो ये 256 से आंसर कम हो जाएगा, है ना, वैक्स लगाने से लोड मतलब लोडिंग करने से आपकी ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई मतलब या तो 255 हो गई होगी, 254 हो गई होगी, ऐसे कुछ भी हो सकती है ना।
तो आपकी जो बी की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी पूछ रहा है। तो दूसरे केस में हमें दो बीट मिल रही हैं, इसका मतलब इसको हम जब लोड कर रहे हैं तो ये 254 या 255 ऐसा कुछ रही होगी, 253 रही होगी, तो हमें दो बीट मिल रही हैं। देखो यार, अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी और 260 के साथ जब आप डिफरेंस देखोगे तो आंसर हमारा बढ़ के मिलेगा, बीट हमें ज़्यादा मिलेगी। अभी देखो 256 है तो हमें आंसर 4 मिल रहा है, लेकिन अगर ये इसी चीज़ को हम कम कर दें 255 कर दें तो यही आंसर बढ़ के हमारा 6 हो जाएगा, जबकि आंसर तो कह रहा है कि बढ़ना नहीं है घटना चाहिए, इसका मतलब 252 आंसर हो जाएगा, है ना 252। तो यार देखो, एक नहीं है तो दूसरा टिक कर दो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बीट्स में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड सोर्स आर 256 एंड 260। दो साउंड सोर्स हैं, प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी दी गई है। शुरू में जब टाइम जीरो है तो इंटेंसिटी साउंड की मैक्सिमम है एंड द फेज डिफरेंस एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/16 विल बी। यार देखो, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मैंने आपको ये वाली चीज़ कौन कौन से चैप्टर में बताई है? मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है SHM में, मैंने बताई थी वेव मोशन में। जब आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा। वन शॉट में भी बताई थी, फिर मैंने वेव ऑप्टिक्स में भी बताई है, है ना। और उसके अलावा मैंने जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं बताता ही रहता हूँ आपको, है ना। तो AC वगैरह में भी बताई थी, अल्टरनेटिंग करेंट में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, बेसिकली मुद्दा ये है कि जो आपका फेज डिफरेंस है और टाइम डिफरेंस है उनका रिलेशन क्या होता है। देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई बाई 2π रिलेट होता है टाइम डिफरेंस से डेल्टा T/T, और पाथ डिफरेंस से होता है डेल्टा X/λ। तो ये रिलेशन पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आपको देखने को मिलेगा बेसिक्स क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली ये फेज डिफरेंस है, ये 2π फिक्स है, ये डेल्टा टी बेसिकली क्या है, डेल्टा टी आपका टाइम डिफरेंस है और डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है। ये आपका ऑप्टिक्स में काम आता है, वेव वाली में तो हमारा ये फिलहाल काम का नहीं है, सिर्फ ये दोनों काम के हैं। तो यहाँ पर चलो इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी दो साउंड सोर्स की दी गई है, 256 और 260, हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। शुरू में जब टाइम जीरो है तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है, है ना। जब समय जीरो है शुरू में इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा जब टाइम 1/16 सेकेंड हो जाएगा, है ना। अब क्या करें इस चीज़ में, देखो यार, फेज डिफरेंस हमें डेल्टा टी की वैल्यू पता है 1/16 है, और हमें अगर ये टी की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड जो हम निकाल सकते हैं वो हम निकाल सकते तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, बेसिकली डेल्टा फाई बाई 2π, डेल्टा T/T और डेल्टा X/λ में हमें इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो दो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बीट निकाल लेंगे। तो हमारा देखो, बीट का जो टाइम पीरियड होता है हम जानते हैं 1/B होता है, ठीक। तो 1/B का मतलब क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ बीट्स। अब नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस N2 - N1, यानी कि 260 में से 256 घटा दो, 4 आ गया, 1/4 सेकेंड हमारा क्या आ गया, टी आ गया। टी मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड है पूरी बीट का। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम शुरू में, देन द फेज डिफरेंस एट द टाइम इज इक्वल टू टी। मतलब देखो यार, कुछ नहीं करना है, देखो डेल्टा फाई की वैल्यू निकालनी है, 2π आपका फिक्स है, अच्छा। अब इधर देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू है 1/16 और टाइम पीरियड है 1/4, है ना। तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन 2π इज इक्वल टू 4/16, यानी कि 1/4, यानी कि इससे ये कहा 2 बार, तो ये आ गया π/2, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पी नहीं है, पाई है, π/2, ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक की 450 है, एक की 454 है। ऑन साउंडिंग दिस फॉर्क टुगेदर द टाइम इंटरवल बिटवीन दी सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज विल बी। आपसे एक तरीके से वो टाइम इंटरवल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, 1/B। टाइम इंटरवल क्या होता है, 1/B। बी का मतलब क्या है, बेसिकली N2 - N1, यानी कि बीट्स, नंबर ऑफ बिट्स का, है ना। तो कितनी बीट्स है, नंबर ऑफ बीट्स 454 में से 450 घटा दो, यानी कि 4, तो आंसर 1/4 आ गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो नीट हो, JEE हो, इनका रिकॉर्ड है कि भाई इजी और एवरेज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उन पर कमांड होना ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग उनमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी 341 है उसको आप दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ साउंड करते हो तो 6 बीट हमें मिलती हैं। जब सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विद वैक्स एंड साउंडेड विद द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क द नंबर ऑफ बीट्स इज 2 per second, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 341 है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ साउंड कर दिया, अब 6 बीट हमें हर सेकंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली होगी या तो वो 335 की रही होगी या फिर वो 347 की रही होगी, ठीक।
When the second tuning fork is loaded with wax, यानी कि आपने जब इसको wax के साथ load किया and sound with the first tuning fork, ठीक, चलो, तो question कह रहा है the number of beats is 2 per second, तो वो beats जो है वो दो रह जाती है केवल, तो natural frequency second tuning fork की क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है, तो number of beats आपकी दो रह जाती है ना, तो basically पहले 6 थी, फिर दो रह गई, है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने इसको load किया होगा, तो इसकी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई होगी, 341 है तो मान लो 340 हो गई होगी, 337 हो गई होगी, 338 हो गई होगी, है ना, तो डेफिनेट सी बात है कि यार अगर ये कम होती जाएगी तो इसके साथ जब आप बीट निकालोगे तो बीट का आंसर बढ़ के आएगा, जबकि ये कह रहा है कि कम हो गया है ना भाई, पहले आपका आ रहा था मान लो पहले 6 आ रहा था, अब केवल 2 आ रहा है, इसका मतलब 6 से 2 हो गया, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली आपका 335 ही हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसमें हमें 5 बीट मिलती हैं विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, मतलब एक अगर 100 की है तो उसके साथ 5 मिलती है, मतलब या तो 95 की दूसरी होगी या फिर 105 की दूसरी होगी, जब पहली ट्यूनिंग फॉर्क लोड कर दी जाए वैक्स के साथ, मतलब इसको आप वैक्स के साथ अगर लोड करोगे, इसका मतलब क्या है, इसको जब आप वैक्स के साथ अगर लोड करोगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जब इसको वैक्स के साथ लोड करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जानी है, ठीक है ना, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, तो अब यहाँ पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो नंबर ऑफ बीट्स लेकिन अनचेंज रही, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, ओके, देखो यार एक ट्यूनिंग फॉर्क है 5 बीट हमें 100 के साथ मिलती हैं, या तो 95 रहेगी या 105 रहेगी, जब फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क को आपने लोड किया वैक्स के साथ, मतलब इसको आपने क्या किया वैक्स लगा दिया इस पे, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, तो नंबर ऑफ बीट हमारी अनचेंज रही, मतलब हमें 5 ही मिलेंगी, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, तो पहली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, 95 रही होगी, 105 रही होगी, तो क्या रही होगी, देखो यार बेसिकली अगर आप इसको कम कर रहे हो तो 105 ही रही होगी, 95 तो नहीं हो सकती है, अगर ये कम कर रहे हो तो इसका मतलब है 98-97 इसकी हो जाएगी, और इसके साथ जब आप ट्यून करोगे तो वो 2 या 3 आएगी, जबकि आनी चाहिए 5, है ना, तो डेफिनेटली ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, दो ट्यूनिंग फॉर्क एक की फ्रीक्वेंसी इतनी एक की इतनी आर साउंडेड टुगेदर, देन द टाइम इंटरवल बिटवीन कंजुकेटिव मैक्सिमा, देखो फिर से बता देता हूँ वही क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए आपको डिस्कस में यहाँ पर कर रहा हूँ, 1/b के बराबर होता है, अब बीट्स का नंबर कितना होगा, 258 में से 256 घटा हो तो 2 बचा, यानी कि 0.5 सेकेंड, है ना, तो आपका जो कंजुकेटिव मैक्सिमा का मतलब क्या है, 2 बीट का टाइम, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है F1, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इस एंड इट इज़ ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क F2, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, F1 और F2 दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली है उसकी 256 आपकी फ्रीक्वेंसी है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी के साथ 6 बीट मिलते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी वाली या तो 250 की होगी या फिर 6 जोड़ दो, यानी कि 262 की रही होगी। अब कह रहा है कि आपने क्या किया, जब आपने F2 को वैक्स के साथ लोड किया तो इट स्टिल प्रोड्यूसेस 6 बीट्स पर सेकंड विद F1, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ F2। अब यार सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है नहीं, आप इसको कर सकते हो, है ना, थोड़ा चलो आइडिया दे देता हूँ मैं। अगर आपने वैक्स के साथ इसको कर दिया, देखो यार जब आपने जो ट्यूनिंग फॉर्क F1 है, ये तो F1 है हमारी, ठीक है ना, ये आपकी या तो ये F2 होगी या ये F2 होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो F2 है, जब आपको उसने आपने लोड किया, मतलब देखो F2 को आप लोड कर रहे हो, मतलब या तो 250 वाली पे आप लोड करोगे या 262 वाली पे, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो अब भी हमें 6 बीट मिल रही है। देखो यार ऐसा कब हो सकता है, अगर आप इसको लोड करोगे ना तो ये 250 से वैल्यू कम होती जाएगी, 249, 248, 247, है ना, और जब इसको लोड करोगे तो फिर क्या होगा, 260, 261, 259 ऐसे होगा, तो यार इसके साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ तो कम ही कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक बार को पॉसिबल है कि आपको 6 बीट मिल जाए, तो फिर आपका 250 ही आंसर होगा, ये 262 नहीं होना। बीट्स आर प्रोड्यूस बाई 2 वेव गिवन बाई Y1 इज इक्वल टू ए साइन 200π t एंड Y2 इज इक्वल टू इतना, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज, आपको यह नंबर ऑफ बीट्स हर्ट्ज पर सेकंड बतानी है। अब ये इक्वेशन हमें दी गई है वेव की, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले केस में हम क्या जानते हैं, देखो यार हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है जिसमें हमारा जो भी टाइम के साथ जो चीज़ होती है ओमेगा, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी 2πn के बराबर होती है ना, तो हमारी ओमेगा पहले केस में कितनी है, 2000π, है ना, और ये हमारा 2πn के बराबर हो गई, तो पाई से पाई गया, 2 से ये 1000 बार गया, तो पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी आई वो 1000 आ गई। दूसरे केस में आप निकाल लो, दूसरे केस में 2008 है, तो यानी कि 1004 आ जाएगी, तो दोनों में अंतर कितना है, 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 बीट, ठीक है ना।
एक ट्यूनिंग फॉर्क है हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई मैनुफैक्चर इज 512 हर्ट्ज़, यानी कि आपकी जो मैनुफैक्चर ने बनाई है वो 512 हर्ट्ज़ की आपको फ्रीक्वेंसी दी है। अब आपने टेस्ट किया एक ऑसिलेटर के साथ, इट इज़ फाउंड दैट दी फॉर प्रोड्यूस अ बीट ऑफ 2 हर्ट्ज विद ऑसिलेटर। इसका मतलब ये रहा होगा कि जो ऑसिलेटर है या तो वो 510 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रहा होगा या फिर वो 514 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रहा होगा। ठीक, चलो, जब ऑसिलेटर 514 हर्ट्ज रीड करता है बट प्रोड्यूस अ बीट ऑफ 6 हर्ट्ज व्हेन ऑसिलेटर रीड्स 510 हर्ट्ज। सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जब 514 हर्ट्ज की ये ऑसिलेटिंग करता है तो आपका 2 हर्ट्ज की हमें यहाँ पे बीट मिलती है, लेकिन जब आपका ऑसिलेटर 510 हर्ज रीड करता है तो उस केस में हमें 6 आपकी बीट मिलती है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फॉर्क की कितनी रही होगी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो कि पहले 512 थी आपकी, ठीक है, 512 जब थी तो आपने ऑसिलेटर के साथ उसको टेस्ट किया तो आपको दो बीट सुनाई दी। इसका मतलब है या तो 510 रहा होगा या 514, तो डेफिनेटली उन्होंने 514 पहले ही दे दिया है, तो ये तो गया काम से। ठीक, अब कह रहा है कि बट प्रोड्यूस अ बीट ऑफ 6 हर्ट्ज व्हेन ऑसिलेटर रीड 510 हर्ट्ज। तो जब ऑसिलेटर 510 हर्ट्ज रीडिंग करता है तो 6 बीट हमें देखने को मिलती है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी रही होगी आपसे वो पूछा गया है। मतलब देखो 512 तो कंपनी ने हमें लिया है, मतलब देखो 512 तो ना कंपनी ने लिख के दिया है, लेकिन हम एक्चुअल में ये जानना चाहते हैं कि असल में ये जो ट्यूनिंग फॉर्क हमें हमारे पास है ये असल में कैसी है, क्या ये असल में इतने की ही है या फिर इसका कुछ और जो है और कोई फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। देखो यार, क्वेश्चन के हिसाब से जब मैं यहीं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी सोचने की कोशिश करें तो बहुत आसान है, कुछ भी कठिन यहाँ पे वैसे तो नहीं है, है ना। देखो क्या है सीन, ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में हमसे पूछा है, उसके असलियत हमें जाननी है कि असल में वो कितने हर्ज की है। देखो अगर आपका ऑसिलेटर 514 हर्ज का है, ठीक है, तो आपकी जो ट्यूनिंग फॉर्क है या तो वो रहेगी आपकी कितने की, या तो वो रहेगी 512 की या फिर वो रहेगी 516 की, ठीक है ना, क्योंकि 2 हर्ट्ज की यहाँ पर बीट हमें मिली है। अब लेकिन वो आपकी 6 हर्ट्ज की बीट प्रोड्यूस करता है जब ऑसिलेटर 510 हर्ट्ज रीड करता है, ठीक, तो यानी कि आपका 6 हर्ट्ज की बीट कब मिल सकती है हमें जो 6 हर्ट्ज की बीट है वो तब मिल सकती है, देखो जब आपका ऑसिलेटर 510 हर्ट्ज रीड करता है। इसका मतलब क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क की अब की बार आपको दे दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि आपका जो भी बीट है वो 6 हर्ट्ज की अगर हमें मिल रही है, तो पहले 514 था तो हमें 512 या 516 मिल गई थी, तो 6 किस केस में हमें मिल सकती है। देखो जब आपका जो 6 है वो उसी केस में हमें मिल सकती है, तो 6 हर्ट्ज अगर हमें बीट यहाँ पे मिल रही है, मतलब 6 बीट अगर हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है या तो वो रही होगी 510 के हिसाब से 516 की या फिर रही होगी 504 की। अब मुझे बताओ आपको एक चुनना है इसमें से वैल्यू, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 516 ना दोनों में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, मतलब ये जो 516 हर्ट्ज की आपकी जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये अगर आप देखें तो ये आपकी पहले केस में भी 2 बीट निकाल पा रही है और सेकंड केस में भी 6 बीट निकाल पा रही है। इसका मतलब असल में जो वैल्यू है वो 512 नहीं है, 516 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ट्यूनिंग फॉर्क के जो आपके बेसिक से क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इसमें कराने की कोशिश कर दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली अगर ट्यूनिंग फॉर्क का क्वेश्चन आया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम जो मैंने आपको बताया था आपके लिए सरप्राइज फिजिक्स वाला, जो आपका बेसिकली फिजिक्स के जो कंसाइज रिविजन करने वाले हैं फॉर्मुलों का वो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें काफ़ी मजा आने वाला है और हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और जाने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, और